हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल extrememotoadventure.com। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस जो कि मोटरसाइकिल ट्रैवलिंग से रिलेटेड होंगे, राइडिंग से रिलेटेड होंगे, फोटोग्राफी से रिलेटेड होंगे, मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, ये एक नया वीडियो है जिसमें मैं अहूजा का UTP 30 एक कॉलर माइक है उसको मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ और इसको अनबॉक्स भी करेंगे और इसका जो माइक का टेस्ट है वो भी करेंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अहूजा एक इंडियन ब्रांड है और जो इस माइक का मॉडल है वो है UTP 30। इसे मैंने आज ही ख़रीदा है लाजपत राय मार्केट दिल्ली से और इसका जो MRP था वो 1060 रुपये था और जो दुकानदार था वो 1050 रुपये मांग रहा था, लेकिन मैंने थोड़ी सी बार्गेनिंग करी तो वो 900 रुपये तक आ गया, जो कि मेरे बजट में भी फिट हो रहा था। इस पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल परफॉर्मेंस माइक्रोफोन और दोस्तों, ये तो तभी पता चलेगा जब हम इसकी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करेंगे। और इसके नीचे ये भी लिखा हुआ है कार्डियोइड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी जो लेंथ है केबल की वो है 6 मीटर, जो कि काफ़ी अच्छी है। और इस पर यह भी लिखा है फिक्स टाई क्लिप एज वेल एज एडजस्टेबल नेक बैंड, और आप इसको अपने नेक बैंड पर आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान है और जो इस माइक की बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। सबसे पहले इसका फ्लैप खोलते हैं और इसके अंदर निकला है एक लेदर का पाउच जिस पर लिखा हुआ है अहूजा। अहूजा प्रिंटेड है इस लेदर के पाउच में। तो निकालते हैं इसको और इसको साइड रखते हैं थोड़ी देर के लिए और जो इसका बॉक्स है उसको पैक करके हम साइड कर देते हैं। अब लेते हैं हम लेदर का ये जो पाउच है, जो क्वालिटी है लेदर के पाउच की काफ़ी अच्छी है और जो चेन लगी हुई है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसको खोलकर देखते हैं। इसके अंदर बबल रैप है जिसके अंदर माइक है मेरे ख्याल से। निकालते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर मुझे एक माइक लग रहा है और एक फ़िल्टर लग रहा है। तो खोलते हैं और सबसे पहले हम निकालेंगे इसका फ़िल्टर। तो ये एक फ़िल्टर निकला है इसमें से, जो कि पूरा मेटल का बना हुआ है। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसको खोलकर देखते हैं। इसके अंदर एक डबल ए साइज़ का सेल लगा हुआ है तो ये इसी से वर्क करेगा ये जो फ़िल्टर है। इसको बंद करके हम दूसरा जो आइटम्स है इसमें वो देखते हैं। इसके अंदर एक ये है एक नेक बैंड जो कि आप कॉलर माइक पर लगा के अपनी नेक पर डाल सकते हैं। तो इसको भी साइड रख देते हैं थोड़ी देर के लिए और अब जो मेन चीज़ है हम वो निकालते हैं। तो दोस्तों, ये हमने निकाल लिया है जो माइक है अहूजा का। जो इसकी वायर की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मोटी वायर है और जो ये माइक है आप DSLR के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और PC के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक मोनो माइक है और दोस्तों, ये है इसका माइक मेन पोर्शन जो है इसका, ये है माइक इसका। और इस पर नॉइस रिडक्शन के लिए कैप भी लगी हुई है। इसको मैं हटाकर आपको दिखाता हूँ। और जो इसका माइक है देखिए, वो भी पूरा मेटल का बना हुआ है और जो इसकी क्लिप है वो भी पूरी मेटल की बनी हुई है। इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग है ये। और जो वायर है इसकी 6 मीटर की लेंथ है, जो कि सफिशिएंट है किसी भी रूम के लिए या फिर किसी भी स्टूडियो के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो है इसका माइक और जो इसकी क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो चलते हैं इसका एक ऑडियो टेस्ट करते हैं। ये एक ऑडियो टेस्ट है अहूजा UTP 30 कॉलर माइक्रोफोन का, जो कि एक इंडियन ब्रांड है और जो ये आपके पास आवाज़ आ रही है ये अहूजा के UTP 30 माइक्रोफोन से ही आ रही है। तो अब हम टेस्ट करते हैं इसकी एम्बिएंट नॉइज़।